आपके एक जवाब से हम सबके सवालों की कश्मकश का अंत हो जाएगा। प्लीज हमें बताइए कि आप निहारिका को पसंद करते हैं कि नहीं, क्या आप सच में उससे प्यार करते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं पूछती हूँ, किस मनहूस घड़ी में आपने भाग्य लिखा था मेरा? तो खुशियों के बजाय आपने मेरी झोली आंसुओं से भर दी। मुझे एक बार प्लीज आप उससे वापस पूछ के देखिए, वो ऐसा नहीं कर सकती है। निहारिका जी ने आपके दिए हुए कंगन फेंक दिए हैं। अरे बुद्धू राम, ये सब नकली दवाइयां हैं। बस मैंने इनमें लाल पीला रंग लगा दिया है, ये तो चूरन की गोलियां हैं। और ये ढेर सारी गोलियां मारने में लगी हो क्या मधु? अरे बुद्धू राम, ये सब नकली दवाइयां हैं। बस मैंने इनमें लाल पीला रंग लगा दिया है, ये तो चूरन की गोलियां हैं। तबीयत कैसी है बेटा? तबीयत अच्छी, तबीयत है पापा, बहुत अच्छी। बेटा कहीं दर्द तो नहीं? बिल्कुल नहीं, अच्छा हूं पापा। अरे नहीं पापा, दर्द इन्हें रात भर बहुत दर्द था, वो तो बस आपको तकलीफ ना हो ना, इसीलिए आपको बता नहीं रहे। ज्यादा दर्द हो रहा है बेटा। बहुत दर्द हो रहा है पापा। देखिए पापा कितना दर्द हो रहा है इन्हें। देखो बेटा, अगर इसे ज्यादा दर्द हो रहा है तो हमें एक्सरे निकलवा लेना चाहिए। अरे नहीं पापा, एक्सरे कराने की जरूरत नहीं है, वो क्या है ना, ताजी ताजी चोट लगी है इसीलिए दर्द हो रहा है। पापा मैं इन्हें दवा पिला देती हूँ। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस बेटा तुम इसका ध्यान रखना। पापा मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे, थोड़ी सी नौटंकी नहीं कर सकते थे? जब तुम्हें मैंने कड़वी दवा पिलाई तो तुम थोड़ा सा एक्टिंग भी नहीं कर सकते? मेरी मधुबाला, अनार के मीठा जूस पिलाओगी तो कहां से मुंह बनेगा? और तुम्हें पता है ना, पापा को देखते ही मेरी सिट्टी बिट्टी सब गुल हो जाती है। चलो अच्छी बात यह है, पापा को हमारे नौटंकी या ड्रामे के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हेलो सोनाली, कैसी हो? लेकिन ये बताओ इतने दिनों से थी कहाँ पे? दरअसल मैं विनय के साथ आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी। तो ये कहिए कि आप अपने पतिदेव के साथ घूमने गई हुई थी, लेकिन हमें तो बता सकनी थी ना? अरे नहीं रूपाली, ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो कोई जरूरी काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा। बिलीव मी, मैंने आते ही सबसे पहला कॉल तुम्हें ही किया, सोचा सबके बारे में हालचाल पूछ लूं। और सब ठीक है ना? सोनाली यहाँ पर हालचाल तो बहुत ही खराब हो गए थे। क्यों, क्या हो गया था? अब क्या बताऊं मैं आपको? पता है आपको, निहारिका जी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी।
What? निहारिका ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी? वो तो शुक्र है कि हम सब लोग वहां पे ठीक समय पे पहुंच गए, वरना वरना पता नहीं क्या हो जाता। नहीं रूपाली, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि निहारिका जैसी समझदार और सूझी हुई औरत आत्महत्या जैसा कदम उठा सकती है। किसी के लिए अपनी जिंदगी से खेलना, ये तो पागलपन है। वैसे अब उसकी हालत कैसी है? सोनाली, अब हालात तो ठीक है। हम लोगों ने निहारिका जी का दुख बांटने की एक और कोशिश भी की थी। क्या कोशिश की थी? वो जल्दी से जल्दी उनकी दूसरी शादी कराने की। ये तो आप लोगों ने बिल्कुल सही फैसला किया। जिस तरह से निहारिका अंदर ही अंदर टूट चुकी है, उसको जल्दी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन दुख की बात तो ये है कि निहारिका जी ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया है। वो दूसरी शादी करना ही नहीं चाहती हैं। क्या निहारिका ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया? नहीं, ये फैसला निहारिका का बिल्कुल गलत है। अब उसे किसी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मैं निहारिका से मिलकर बात। अच्छा सोनाली, अब मैं फोन रखती हूँ। मैंने अपनी मौत का ड्रामा तो सही खेला, इस ड्रामे का उस पर असर भी बहुत गहरा हुआ, लेकिन वो बच क्यों गई? कमबख्त, उसकी सहेलियां भी सही समय पर क्यों पहुंच जाती है? उसे मरने क्यों नहीं देती? लगता है निहारिका की लाइफलाइन काफी स्ट्रांग है। ऊपर से उसने दूसरी शादी करने से भी मना कर दिया। अब क्या होगा पता नहीं। इस निहारिका के पीछे मुझे और क्या क्या देखना पड़ेगा? हे भगवान। राजेश, तुम्हें तो काफी चोट लगी है। हाँ जीजा जी, चोट तो आई है, मगर आप चिंता मत कीजिए, जल्द ठीक हो जाऊंगा। लेकिन दीदी नहीं आई। रेखा मम्मी पापा के साथ एक हफ्ते के लिए अमृतसर गई है, मौसा जी के यहाँ। मैं उसे अभी फोन कर दूंगा, वो जल्दी लौट आएगी। अरे बेटा, उसे क्यों परेशान करते हैं? एक हफ्ते की तो बात है, जब वो आएगी मिल लेगी। पापा ठीक कह रहे हैं जीजा जी, दीदी को नहीं बताइएगा, नहीं तो दीदी वहाँ परेशान हो जाएंगी, उनका वहाँ मन नहीं लगेगा। राजेश, लेकिन ये सब हुआ कैसे? आंखें फूटे उस कार वाले की, पीछे से टक्कर मार कर चला गया। बस वो तो भगवान का शुक्र है जो ये बच गए। राजेश, तुमने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई कि नहीं लिखवाई? पुलिस कंप्लेंट? हाँ, एक्सीडेंट का मामला है, पुलिस कंप्लेंट तो लिखवानी चाहिए। एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, कार ड्राइव कौन कर रहा था, वो राइट साइड से आ रहा था या रॉन्ग साइड से आ रहा था, ये सब पुलिस को बताना पड़ेगा। हाँ बेटा, ये सही कह रहे हैं, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए।
अरे वो कार से तुम्हारा एक्सीडेंट करके गया, उसे तो जेल में होना चाहिए। अंधा होके चला रहा था पता नहीं। बिल्कुल, बस तुम ये बताओ कि एक्सीडेंट हुआ कहाँ था, बाकी सब कुछ तो मुझ पे छोड़ दो। फिर देखना, वो गिरफ्तार भी होगा और उसे तुम्हें हर्जाना भी देना पड़ेगा। बस जी जी रहने दीजिए, खाक डालिए उनकी सूरत पे। मैं तो कहती हूँ आग लगे उन्हें, देखना कीड़े पड़ेंगे उन्हें, कभी खुश नहीं रहेंगे वो। आधार बेटा, मधु ठीक कह रही है, बैठे बैठाए परेशानी मोल लेना है। और नहीं तो क्या, पुलिस का कम पैसे खाएगी? यहाँ इलाज भी करवाओ, ऊपर से पुलिस वालों को पैसे भी दो। नहीं नहीं, ये तो वही बात हो गई ना, क्या बैल मुझे मार। पानी गले गले तक आ चुका है, इससे पहले कि नाक में घुसे मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या किया जाए? विनय बाबू। अरे आइए गनी भाई। आई विनय बाबू, इस समय मुझे क्यों बुलाया? इस बार आपके लिए एक बहुत जरूरी काम है। काम बाद में, पहले मेरा पिछला बकाया चुकता करो। क्या गनी भाई, मैं ये शहर छोड़ के थोड़ी ना भागा जा रहा हूँ, आप तो बस मुझे देखते ही आपके हाथों में खुजली होने लग गई। ये लीजिए, पहले आप अपनी खुजली मिटाइए, ठीक है? अब बोलो काम क्या। करी भाई, वो चिड़िया होती ना चिड़िया, अरे बिना परों वाली, बस यूं समझ लीजिए उस चिड़िया को अपने जाल में फांसना है। पैसे की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, आपका पिछला बकाया भी मैं चुका दूंगा। बस अब आप कान खड़े करके ध्यान से सुनिए कि हमें काम करना क्या है। काम तो अच्छा है, करने में मजा आएगा। मुझे पूरा यकीन है गरीब भाई, इस काम में आप कमाल कर देंगे। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये सब करके तुम्हारा क्या फायदा? अरे भाई, हर काम फायदे के लिए नहीं किया जाता, कुछ काम नुकसान उठाने के लिए भी किए जाते। अब आप ये सब रहने दीजिए, ये मेरा निजी मामला है, आप बस अपना काम कीजिए, फिर मिलते हैं। बहुत बड़ा खिलाड़ी, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के निशाना अच्छा लगाता, लेकिन उस लड़की के साथ इसका क्या मामला हो सकता? लगता है कोई पुराना घाव है। पापा, आपने राजेश का इलाज कौन से हॉस्पिटल से करवाया? पता नहीं बेटा, कौन से हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा के है। मधु ले गई थी, मैंने तो कहा था कि मैं भी चलता हूं, कहने लगी कि मैं ले जाती हूं। लेकिन बेटा बात क्या है? लेकिन एक्सीडेंट के केस में कोई भी हॉस्पिटल बिना एफआईआर के ट्रीटमेंट नहीं करता है। कोई भी डॉक्टर यही बोलेगा कि भाई पहले जाओ कंप्लेंट लिखवा के आओ, ये पुलिस केस है। हाँ बेटा, ये तो तुम सही कह रहे हो, समझ में नहीं आता कि कौन सा डॉक्टर है जिसने
बिना कंप्लेन के उसका ट्रीटमेंट किया है और राजेश भी कंप्लेन करने के लिए मना कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि राजेश पुलिस कंप्लेन के लिए मना क्यों कर रहा है। बेटा तुम कहो तो मैं जाके कंप्लेन कर दूं। वो मैं कह रही थी कि राजेश ठीक कह रहा है, पुलिस में शिकायत करने का क्या फायदा। अरे क्या कह रही हो तुम, अरे हमारे बेटे की जान जाते जाते बची है और तुम कह रही हो क्या फायदा। अब पुलिस उस कार वाले को कहाँ ढूंढेगी, वो तो टक्कर मार के पता नहीं कहाँ चला गया होगा। नहीं अगर पुलिस पकड़ना चाहे तो वो किसी भी मुजरिम को पकड़ सकती है। हाँ अगर राजेश कंप्लेंट नहीं लिखवाना चाहता है तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अच्छा पापा अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। नमस्ते। अरे बेटा चाय तो पीते जाओ। नहीं नहीं मैं फिर आऊंगा। अच्छा पापा। अच्छा अच्छा खुश रहो। अपने प्यार को सीने में दबाए बरसों मैंने निहारिका का इंतजार किया, उसकी साधना उसकी तपस्या में सब कुछ भुला दिया मैंने। कुछ याद था तो सिर्फ निहारिका, और आज उसी निहारिका ने मेरी सपनों मेरी उम्मीदों को तोड़ दिया। ना मैं उसकी जिंदगी संवार सका और ना ही कोई और। क्यों आती हुई बहारों को ठुकरा कर वीरानों को अपना आशियाना बनाना चाहती है वो। क्यों कुचल डाला उसने मेरे प्यार को और मेरी आरजुओं को। अगर आज उसे तुम्हारे प्यार से इनकार है तो कल जरूर इकरार भी होगा। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होगी अश्विन। एक दिन निहारी को अपना फैसला जरूर बदलना पड़ेगा, जरूर झुकना पड़ेगा उसे मेरे प्यार के आगे, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है। अपने हार के लिए 1,00,000 रुपए। पहले ये आधे गहने मुझे दे दो। तुम्हारे बाप का माल है? आंख उठाकर भी मत देखना मेरे गहनों की तरफ। तुझे नौकरी पाने के लिए 1,00,000 रुपए की जरूरत है ना, ये ले। तुम्हारे गले ने इस हार की शोभा बढ़ा। इस हार की नहीं, मेरे गले की शोभा बढ़ा दी। आपका दिया हुआ ये हार है ही इतना सुंदर। अब शायद
मैं असली हार कभी नहीं बनवा पाऊंगी। मैं कब तक और कैसे इस बात को अपने पति से छुपाती रहूंगी कि मैंने हार के 1,00,000 रुपए राजेश को देकर अपने लिए नकली हार बनवा लिया है। नहीं नहीं, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मुझे अपने पति के साथ किसी भी तरह का धोखा नहीं करना चाहिए। मुझे अपने पति को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। समझ में नहीं आता कि दुनिया में कैसे कैसे निर्दय लोग हैं जो इतने छोटे से बेजुबान बच्चे को जो रास्ते पर छोड़कर चले जाते हैं। मैं तो बहुत दुविधा में पड़ गई हूँ। मुझे लगता है कि तेरे पापा को सब कुछ सच सच बता देना ही अच्छा है। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना अगर मैं एक अनाथ बच्चे को गोद ले लूं तो? एक बाप को अपनी बच्ची की खुशी पर कैसे एतराज हो सकता है? कौन?